अपॉर्चुनिटी अचीव करने में या क्रिएट हम जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो हम जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखना चाहते कि आप अगर सिर्फ महाराष्ट्रियन हैं तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वी आर ओपन टू एवरी वन दोज आर रिजाइडिंग इन द स्टेट, दैट्स वाई वी कॉल इट मिस एंड मिसेज महाराष्ट्र. सो वेदर यू आर अ नॉर्थ इंडियन और यू आर अ साउथ इंडियन, यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन द पेजेंट, यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इफ़ यू आर living somewhere in the Maharashtra. It's very simple. So that's why we call it Miss and Mrs. Maharashtra. And I think बहुत सारे ऐसी personalities हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट से होके भी महाराष्ट्र में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, आई गेस. सो वाई नॉट टू गिव द चांस टू एवरी वन दोज वर लिविंग हेयर. सो येस, इट्स वेरी सिंपल. इफ यू आर हेयर डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट इन द पेजेंट. जो फ्यूचर अगर समाप्त हो गया, लेकिन अब दौर बदल चुका है, जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी उनको भी काम नहीं मिलता था. ये जो परिवर्तन आप देखते हैं कि महिलाएं शादी के बाद भी उसी तरह से काम कर सकती हैं जैसे पहले करती थी, इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इससे आपकी जो आप बात आपने रखी है सामने, मैं आपके सामने मैंने बहुत सारे आई थिंक एग्जाम्पल्स खड़े कर रखे हैं. आई गेस वी आर ओनली टू हियर दोज आर अनमैरिड, रेस्ट द एंटायर in front of your entire guests, everybody here is married only, and most of us are homemakers as well, and you know, we are in different professions as well. So definitely things are changing, everybody is changing their mindset, supporting each other. Families support kar rahi hai, tabhi agar families ka support nahi hota hai, wo pillar of strength hamare ghar mein nahi hoga to hum yahan tak nahi pahunch payenge. To shrey family ko bhi jata hai equally. जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, जितनी जो हमारे विजन है, जो हमारा मिशन है, जिस उसे पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए जितना हार्डवर्क और जितनी वो फायर हम में है, उतना ही इक्वली हमारी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द इवेंट इज़ गोइंग सक्सेसफुल ईच ईयर, ईच सीजन. एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी सराउंडेड बाय यू नो पॉजिटिव फैमिलीज. एंड आई विश दैट जितनी भी मैं लेडीज़ हैं, विमेन हैं, इंडियन वुमेन हैं, जितना मुझसे हो सकेगा आई विल यू नो एम्पावर विमेन थ्रू माई प्लेटफॉर्म. मिस और मिसेस जब प्लेटफॉर्म पे वॉक करती हैं, रन पे वॉक करती हैं, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं? और जूनियर को आपने जो गाइडलाइन दी है सर, यही बात मुझे नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चलता है कि मिस कौन है, मिसेस कौन है. मुझे तो मालूम होता है क्योंकि आई एम दी ऑर्गेनाइजर, आई नो कि कौन मैरिड है, अनमैरिड है ऑन द बुक्स, ऑन द पेपर्स. बट आप ही बता दीजिए इनमें से मिसेस कौन मिस कौन है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आर ज्यूरी मेंबर्स टू ऑलवेज फिगर आउट दैट वेदर द कंटेस्टेंट, द कैंडिडेट इज मैरिड कैटेगरी और अनमैरिड कैटेगरी. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ इज कंचन गुप्ता स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. शी हैज़ टू सन्स एंड शी इज इन टू हर 40s. And she is Mrs. Elite Universe, first Indian woman to win the title in Philippines 2 months back. So again, we have Shraddha More, Mrs. Maharashtra, we have Enid. So अब कोई मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है मैरिड और अनमैरिड में, सब ही इक्वल हैं. और मैं तो ये कहूँगी कि मैरिड लेडीज़ में ज़्यादा फायर है,
वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें विजन उनका इतना स्ट्रांग है कि एवरीबडी यू नो ट्राई टू यू नो एम्पावर क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम आई थिंक सक्सेसफुली कंडक्टिंग इट बिकॉज वी हैव बीन डूइंग डाइडम ग्रुप ऑफ पेजेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन 2018 इट्स बीन सिक्स ईयर्स नाउ एंड बोथ ऑफ आर पेजेंट्स बी इट इन मुंबई और दिल्ली मिसेज इंडिया लेगेसी और मिसेज महाराष्ट्र वी हैव बीन कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ टैलेंट whether it's married or unmarried, despite of that category, and would like to do it in future always, every year. Thank you so much. Amrita ji, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे Dynam का जो यहाँ पे pageant organize किया गया है, कितनी excitement है क्योंकि Miss and Mrs. दोनों को यहाँ पर जो है felicitate किया जाना है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू रियली कंग्रेचुलेट अमीषा चौधरी जी बिकॉज आई थिंक इट इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र एंड आई थिंक यू नो सच पेजेंट्स आर एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस एंड आई थिंक दे ऑल्सो प्रमोट एंड मोटिवेट ईच एंड एवरी वुमन हु काइंड ऑफ पार्टिसिपेट्स एंड ऑल्सो काइंड ऑफ motivates you know women from Maharashtra especially because we are talking about Miss and Mrs. Maharashtra here and also Amisha ji is so much into social work and she has been doing so much work around the menstrual cycle and the menstrual hygiene of women and I think that is such a great initiative by you and really really want to congratulate you because the more the merrier I think you know no matter how much as women we want to educate our you know our little girls and women and men across India nationally and internationally I think jitne log is bahut hi noble cause mein ek sath jud jate hain I think like I said the more the merrier ki jitna education aap de sakte ho logo ko menstrual hygiene ke bare mein I think it's amazing and you're doing amazing in that thank you so and Miss and Mrs. Maharashtra ka third edition hai and I'm very very glad to be here to crown the yes. queens and yahan se jo hai unki journey national or internationally bhi hoti hai that is what I know about this pageant and yeah I'm really looking forward to meeting some really inspirational and beautiful women let's yes. see so Amisha ji jo hai Amrita se bahut sare log inspire hote hain especially Maharashtra ki mahila hai to kya kehna chahenge she is here and कितना प्राउड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है बिकॉज वी यू नो कम फ्रॉम दिल्ली एज यू ऑल नो एंड ऑर्गेनाइज दिस ब्यूटी पेजेंट इन मुंबई सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग Dynam ग्रुप ऑफ पेजेंट सिंस 2018 नाउ इट्स बीन सिक्स ईयर्स एंड वी स्टार्टेड द स्टेट लेवल पेजेंट जर्नी इन बैक यू नो दिस इज द थर्ड एडिशन थ्री ईयर्स बैक सो वी ऑलवेज यू नो फिगर आउट वी ऑलवेज डिस्कस आर विद एसोसिएट्स एंड पार्टनर्स एंड द कंटेस्टेंट्स सो योर नेम वॉज ऑन द टॉप ओ थैंक यू एंड वी रिसर्च्ड अ लॉट बिकॉज यू नो नो डाउट You have done a wonderful and fabulous work in acting, and we are a big and huge fan of yours. Thank But when it comes to you know organizing an event in Mumbai, we definitely research and you know talk about the celebrity list and VIP guest list. And your Amrita Khanwilkar's name was absolutely on the first number, and it is an honor to have you, you know, with you. Us today. Likewise. And we are really looking forward for a great evening ahead with her. Cool. इसके अलावा आज जो जिसको आप क्राउन पहनाने वाली है उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए क्या क्वालिटीज देखती है आप मुझे से लगता है एक तो एज अ वुमेन यू नो आपको जो है वो एक कहते हैं ना एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम गॉड इज़ वेल बिकॉज आई रियली फील दैट यू नो व्हेन एनी लेडी एनी वुमन काइंड ऑफ अपने मन में ठान लेती कि यार मुझे ये करना ही है तो वो करके छोड़ती है एंड फॉर मी आई थिंक बीइंग अ वुमन या फिर जिन महिलाओं को आज मैं क्राउन करने वाली हूँ उनमें एक क्वालिटी होनी चाहिए इज़ अडेप्टबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी एंड द जिस्ट एंड द जिस्ट टू इंस्पायर पीपल आई थिंक एज अ वुमन it's our responsibility in the society to inspire people be it men and women children and you know hamare andar jo ek natural nurturing quality hoti hai I think usko jo hai agar we can kind of just you know expand it I think then the world is going to be a better place for us to live thank you so much
अरे बाप रे, मैंने जिंदगी में कभी कोई पैजेंट में भाग नहीं लिया है, लेकिन आई थिंक वन मैसेज आई रियली वॉन्ट टू गिव वुमेन यू नो टेकिंग पार्ट इन दिस पैजेंट इज, नो मैटर हु द क्वीन इज, जो आज क्राउन होने वाली है, एवरी वुमेन इज अ क्वीन इन हर ओन सेंस. यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. It was amazing. We did not expect anything. We were just giving our best, and yeah, that's it. I was having the goosebumps when I hear my name there. I was not expecting at all. At the backstage, I was just crying. I was like, my crown is gone from my life. Like, I was really so crying there. But this was really a great journey. I really want to thank Samisha ma'am for establishing such a beautiful platform where we girls get the chance to showcase our talent, showcase our skill, and to showcase the world where we want to shape the world as we want it to. Thank you. बहुत मज़ा आया बैकस्टेज में जब हम लोग खड़े थे. हम तीनों ने मैनिफेस्ट किया था सारे क्राउन्स को देख के कि हमें मिलने चाहिए एक्चुअली. एंड जब नाम अनाउंस हुआ तब बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा. आई वॉन्ट टू गो फॉर मिस इंडिया लीगेसी ऑफ डायडम ओनली. यस, I would love to say. And also Lakme Fashion Week, that was my dream, so I think I will get the chance now, so I'm so excited for that. Yeah, for sure. I love acting. Anything, might be anything. It might be anything, we'll do anything. Maybe something more inspirational so that it impacts the society. मैं आगे जाके और अचीव करना चाहती हूँ, अपना मोर करियर मॉडलिंग में एंड पेजेंट्री में बनाना चाहती हूँ. उसके बाद आई विल गो इनटू एक्टिंग. थैंक यू. Firstly, please pinch me. I'm still sinking and soaking this moment. I'm absolutely overwhelmed. I have tears in my eyes. I'm so overwhelmed. My entire family is here. And I had been waiting and craving for this moment. I'm finally living it. I'm finally living my moment. Amazing feeling, yeah. अमेजिंग फीलिंग है. एक हाउस वाइफ आज यहाँ पहुँच गई इतने सारे कैमराज के सामने. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए. अभी तो ये शुरुआत है, काफ़ी दूर तक जाना है. आई एम जस्ट फीलिंग अमेजिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दिस वॉज समथिंग विच आई ड्रीम्ड ऑफ लास्ट ईयर दैट डिडंट कम ट्रू, बट दैट दिस ईयर इट हैज कम ट्रू थैंक्स टू माई फैमिली, गॉड. एंड आई एम जस्ट लाइक शलिका जस्ट मेंशन, वी आर स्टिल सिंकिंग इन. Just trying to digest it and living the moment. Thank you so much. And after this, what is next? Anything you thought about? I think this is the first milestone for us, and we yet to achieve, yet to conquer the whole world, universe. I think the representation that Didim has given to us, to these faces, I'm sure this journey is going to go a very long way. And it's going to mold us, carve our journeys, and make us a very, very niche area of discovering our own potentials. What I would want to mention is, this was something which was just a dream for us, something which we had not even realized how passionate we are about this. But now, after winning the crown, it feels like this is something which we want to pursue ahead and then probably dream a lot and then make those dreams also come true. बस अभी फिलहाल कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है. ये कैमराज देखे बहुत सारा कॉन्शियसनेस आ रहा है. अभी ये चीज़ों की आदत डालने की कोशिश कर रहा है. थैंक यू. आई वांट टू मेंशन समथिंग. वी वांट टू थैंक द मीडिया फॉर मेकिंग यू नो अस कम टू दिस स्टेज. यू नो यू गाइस हैव गिवन अस दैट प्लेटफॉर्म वेयर वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस. So we all want to thank the media as well. Thank you for giving us this. And yes, I really want to say not to forget a big, big, big thank you to Amisha ma'am. And the whole team. One, completely seamless experience. And two, this opportunity and exposure which we've got is out of the world. Thank you so much. Thank you. A big thank you to Didim.
the entire organizing team. There were lots and lots of people who were behind the stage, behind the curtains, who were unseen, who are not here in front of cameras. But a lot of hard work, passion and enthusiasm that Amisha ma'am has given to the entire team makes us a family, and we're so glad, Amisha ma'am, that now we are also part of her family. Looking forward to a very strong association with DIEDM and taking DIEDM to a larger platform to represent who we are as women, to make our independent choices and unleash our own potential. Thank you. Thank you. As we have the winners, so what is next? So definitely, as they have won the hearts entire state already, they are the winners of Maharashtra. Now it is getting more difficult in coming times. It would be more difficult. They will be representing Maharashtra in our Miss India Legacy National Pageant and competing for Mrs. Universe, Mrs. International Global and Mrs. Earth Course. So I wish them very best. There are a lot of opportunities. They have already been a winner of the state level pageant. They are on to the national ones, and most fashion houses, renowned fashion houses in the country are waiting for them. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good night.